11th one, the number of complex solutions of z square plus mod z equal to 0. और टू फाइंड आउट सॉल्यूशन आपको कार्टेशियन फॉर्मेट रखना पड़ेगा. लेट अस टेक जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. जेड स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई प्लस टू एक्स वाई आई. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई मॉड जेड. मॉड जेड क्या होगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. इसको अलग अलग कर दो रियल एंड इमेजिनरी. दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये आपका रियल पार्ट. इमेजिनरी द टू एक्स वाई आयोटा इक्वल टू जीरो. जीरो मीन्स जीरो प्लस आई इंटू जीरो. हाँ सर. तो आप दोनों को कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट जीरो होगा, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा. जब तो ये एट ए टाइम होना चाहिए दोनों. ओके, ऐसा नहीं कि आइदर और, ऐसा नहीं. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स वाई इक्वल. ये दोनों होना चाहिए. हाँ सर. जब टू एक्स वाई जीरो होता है देन एक्स जीरो होगा और वाई. ये एंड और इसको प्रॉपरली यूज करना सीखो, अदरवाइज आंसर गड़बड़ होगा. तो ये आपका वन, ये आपका टू. इसका दो केसेस मिला, एक्स जीरो होगा नहीं तो और वाई जीरो होगा. केस वन, इफ एक्स इक्वल टू जीरो. अब एक्स का वैल्यू जीरो डालो इसमें तो क्या होगा? माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर. अंडर रूट वाई स्क्वायर क्या होता है? वाई. यही गड़बड़ करते रहे. प्लस माइनस क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस वाई. कब ये चीज लर्न करोगे? ऑलमोस्ट एक साल हो रहा है, कब करोगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? हे हो, तो जब हम बेसिक नहीं होता है तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे. विदाउट बेसिक, और ये मैं बार बार बता चुका हूँ, ये चीज आपको दो साल आपका हो जाएगा फिर भी आप प्रॉपरली यूज कर नहीं पाओगे. वही हो रहा है. इट इज मॉड एक्स. एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स नहीं होता है, प्लस माइनस एक्स नहीं होता, इट इज मॉड एक्स होता है. मॉड एक्स क्या होता है? कब ये चीज लर्न करोगे? और कितना दिन चाहिए?
एक्चुअली मॉड वाई वैल्यू जीरो, ये आपका नेगेटिव वैल्यू, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू, तो जीरो होगा, ठीक है, तो जीरो आ सकता है। इसका मतलब इसको ये कर दो, वाई स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रेस टू फोर इम्प्लाइज वाई स्क्वायर कॉमन, देन वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, वाई को कैंसिल मत करना, ओके, इम्प्लाइज व्हाट, वाई इज इक्वल टू जीरो, जीरो होगा और वाई स्क्वायर इक्वल टू वन होगा, देन वाई इज इक्वल टू प्लस वन और माइनस वन। तो व्हेन एवर एक्स जीरो, वाई का वैल्यू जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, तो एक्स कमा वाई का वैल्यू क्या मिला, एक्स जीरो कमा जीरो मिला, जीरो कमा वन मिला, एक्स जीरो कमा माइनस वन, तो जेड क्या होगा, जीरो जीरो आई माइनस नाइन। इसमें तीन सॉल्यूशंस मिला केस वन में। नाउ कम टू केस टू, केस टू इफ वाई इक्वल टू जीरो, वाई जब जीरो होगा तब क्या होगा, वही डालेंगे, तो वाई जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन इक्वल जीरो, राइट साइड इक्वल जीरो, इंप्लाइज व्हाट, क्या वो भी जीरो होगा, पॉजिटिव वैल्यू तो ले नहीं पाओगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो ले नहीं पाओगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो रखोगे तो ये कभी जीरो हो नहीं पाएगा, बिकॉज ऑफ बोथ पॉजिटिव, तो इसका मतलब दोनों को जीरो होना पड़ेगा, एक्स जीरो होना मतलब एक्स स्क्वायर, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो होगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या मिला, जीरो कमा जीरो कमा जीरो, हाँ सर, जो सॉल्यूशन इसमें इंक्लूड है, हाँ सर, तो इसको और रिपीट करना जरूरत नहीं है, तो ओनली थ्री सॉल्यूशन। ठीक है, यस सर, ए बी सी डी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर सो दैट एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी आंसर होगा। यस सर, वही है सर, स्क्वायर रूट मेथड से क्या करते हैं ना शायद ये, स्क्वायर रूट मेथड से करते हैं ना इसे शायद, नहीं क्यों करोगे, नहीं मतलब आधे सम के बाद स्क्वायर रूट मेथड से आंसर आता है, आपके पास x प्लस आई वाई है, आपको चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या करने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, एक्स प्लस आई वाई में क्या करोगे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे देता है, स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर, टेक मॉडुलस बोथ दी साइड्स एंड देन स्क्वायर इट, आउटलुक्स बढ़ाना पड़ेगा, आपका इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, क्या पूछ रहा है,
उसी हिसाब से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर करो फिर कंपेयर करो, मिलेगा आंसर मिलेगा बट वो लेंदी होगा। तो ये आपको क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो मुझे चाहिए उसी हिसाब से मैं ये करूंगा। अभी स्क्वायर हाफ पावर हाफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिला, ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी का मॉडुलस, दैट इज ए प्लस आई बी मॉड अपॉन सी प्लस आई डी का मॉड। ए प्लस आई बी का मॉडुलस कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। टेकन राइट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझा, कट टू कट करना पड़ेगा ये चीज, अदरवाइज ये एंट्रेंस ये क्रैक करना डिफिकल्ट होता है। आप बोर्ड जैसा करोगे, स्क्वायर करो क्योंकि हाफ पावर दिया गया, स्क्वायर करो बोथ दी साइड्स, फिर कंपेयर करो मतलब राइट साइड को आपको कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर करो, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डालो निकालो, लेंगे होता है। ये बस सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब ये 1 प्लस x इंटू आयोटा, नो प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 y अपॉन पी प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आई इंटू वाई प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आई। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट ये करो, बेटर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 माइनस आयोटा, इसको थोड़ा अरेंज कर दो रियल और इमेजिनरी के हिसाब से, तो x माइनस x प्लस x माइनस 2 इनटू y, राइट? यस सर। हाँ इक्वल टू 3 प्लस आयोटा इंटू ये रियल होगा 2 y प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 y, राइट? रियल रियल होगा आपका 3x, ये भी रियल होगा, हाँ माइनस आई प्लस इंटू आई प्लस 1 होगा, तो प्लस एक्स माइनस 2, ये रियल एंड आपका इमेजिनरी, इमेजिनरी हो गया एक्स माइनस 3x माइनस 6, ये 4x कर देता हूँ, ये हो गया 3x माइनस 6 माइनस x, 2x माइनस 6 इंटू रियल पार्ट 6 y, ये आपका -1 प्लस 3 y, तो 9 y माइनस 1 इमेजिनरी, 3 माइनस
इमेजिनरी, कितना हुआ 3 माइनस 9 वाई प्लस 2 वाई, 3 माइनस 7 वाई, करेक्ट? यस सर। देखो मेरा कहीं पे मिस्टेक हो सकता है, तो अभी रियल पार्ट, रियल पार्ट के साथ इक्वेट करोगे तो 4x-2 इज इक्वल टू 9y-1, दैट मीन्स 4x-9y इज इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेट कर दो तो 2x+7y इक्वल टू 9। तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट x एंड y वैल्यू, माइनस वन कर देता हूँ जीरो, ये माइनस नाइन करके जीरो कर देता हूँ, चलेगा? मैट्रिक्स में तो डाल देता हूँ, आप चाहो तो मतलब एलिमिनेट करके कर सकते हो। एक्स वैल्यू क्या होगा 81+7, प्लस 81+7 करेक्ट, 88 अपॉन 28+18 कितना 46, दैट इज 44/23। वाई वैल्यू -2+36, 34/46, दैट इज 17/23। आपको क्या चाहिए px-y, 3x 44 into 3 132 minus 17 115 by 23, 5, समझा? यस सर। टूवेल्व 16, 18, 19, 20। ए बी अल्फा बीटा रियल, ए प्लस आई बीटा होल टू दी पावर 5 विद अल्फा प्लस आई बीटा, देन बी प्लस आई ए टू दी पावर 5, जो मुझे चाहिए बी प्लस आई ए। फर्स्ट ये बताओ आई बी को बी कैसे बना जाए, आई से डिवाइड करो, आई से डिवाइड करो नहीं तो माइनस आई से मल्टीप्लाई करो। हाँ सर वही, ठीक है तो मैं एक काम करते हैं, तो आई इंटू नो माइनस आई इंटू ए प्लस आई बी होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा माइनस आई अल्फा, बीटा माइनस आई। हाँ तो इसका मतलब मैंने माइनस आई टू दी पावर 5 कर दिया इंटू अल्फा प्लस आई बीटा टू दी पावर 5, am I right? यस सर, मतलब माइनस आई टू दी पावर 5 बोथ दी साइड्स मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें, ठीक है? एक को इसको अंदर में रखा, एक बाहर रखा। अच्छा ये अल्फा प्लस आई बीटा का पावर कैसे फाइंड? हाँ अच्छा नहीं नहीं करेक्ट ना? यस
अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस आई है हाँ सर टू द पावर 5 इक्वल टू माइनस आई टू द पावर 5 कितना होता है, माइनस आई माइनस आई इंटू अल्फा प्लस आई बीटा, तो कितना हो जाएगा बीटा माइनस आई अल्फा। हाँ सर बीटा माइनस आई ए को क्या करेंगे तो बीटा प्लस सॉरी बी माइनस आई ए को क्या करेंगे, बी प्लस आई ए दे देता है। इसको क्या करने से बी प्लस आई ए दे देता है, बी माइनस आई ए को क्या करने से बी प्लस आई ए बनता है सर, अगर आई मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बी भी आई आ जाएगा ना। अरे एक बार तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, फिर मल्टीप्लाई करके फिर वापस लेना है क्या? इमेजिनरी पार्ट को माइनस साइन नहीं कर, इमेजिनरी कैसे चेंज होगा, क्या करने से इमेजिनरी चेंज होता है साइन? अरे सर कॉन्जुगेट। यस, इसका कंजुगेट रखो तो यही होता है ना। हाँ सर टेक कंजुगेट बोथ दी साइड्स, तो b माइनस आई ए टू दी पावर 5 इसका होल कंजुगेट बिकेम बीटा माइनस आई अल्फा कंजुगेट। यू नो z पावर n का कंजुगेट, यू कैन राइट z कंजुगेट टू दी पावर n। हाँ सर यस, इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, b माइनस आई द होल प्लस आई रेस टू 5। हाँ सर फिर 5 इज इक्वल टू बीटा प्लस आई अल्फा, आई अल्फा, तो ये हो जाता है बी प्लस आई ए टू दी पावर 5 इज इक्वल टू बीटा प्लस, मिला? हाँ सर। तो आपको देखना है कि मेरा इनपुट क्या है और आउटपुट मुझे क्या चाहिए, ये भी आप पावर 5 निकालोगे तभी होगा, बट लेंथी होगा। डिग्री 5 निकालना है तो क्या करोगे, हाउ टू फाइंड आउट डिग्री 5, ए प्लस बी टू दी पावर 5 क्या करोगे, कैसे निकालोगे? तो बाइनोमियल यूज कर, यस बाइनोमियल यूज कर सकते हो, नहीं तो स्क्वायर करके क्यूब कर मतलब स्क्वायर एंड क्यूब मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट बाइनोमियल ऑलरेडी आपको पता है तो बाइनोमियल यूज करो, बट बाइनोमियल यूज करोगे तो 6 टर्म्स होता है, उसमें 3 टर्म्स रियल होगा 3 टर्म्स इमेजिनरी होगा, फिर कंपेयर करके निकालना डिफिकल्ट होता है, ठीक है? तो देखना पड़ता है कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मतलब क्या उसको चाहिए, उसी हिसाब से प्रॉपर्टीज यूज करके निकालना सीखो। इसलिए बहुत सारे हम प्रॉपर्टीज कराए ताकि आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, समझाइए। यस सर। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये तो कोई कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन ही नहीं है सर, वो हमें बी प्लस आए निकालना था ना बस, या उसका और क्या 12th क्वेश्चन में सर। हाँ क्या निकालना था, b प्लस आई रेस टू 5 निकालना था क्या? निकल और क्या, वही पूछा था ना, b प्लस आई ए टू द पावर 5 निकालना था। हाँ सर, हाँ सर बराबर। 16th वन क्यों डाउट है? हाँ इसमें कॉम्प्लेक्स का कुछ ही नहीं है, ये आपका बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बेसिक मैथ्स में कर चुके होंगे, ऊपर से क्वाड्रेटिक करने के टाइम पर भी ऐसा क्वेश्चन आप किए होंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स का है ही नहीं क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया गया,
ये क्यों डाउट है? ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? सॉरी सर, वो 3a का 16 नहीं था सर, 3b का 16 था सर, गलती हो गई, बता दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्वेश्चन प्लस टू रखोगे आंसर अलग आएगा। यस सर, वो और आपको आंसर क्या मिला प्लस टू के साथ? बी की वैल्यू 10 आई और ए की वैल्यू -5। ए -5 करेक्ट, बी इक्वल टू 10। 10 हाँ वही मिलेगा। हाँ सर, मैंने और ये क्वेश्चन को आप वन करोगे, टू के जगह वन करोगे तो फिर आपका आंसर मैच कर जाएगा, मतलब ऑप्शन मैच करेगा। अच्छा ओके सर, ठीक है वन करके सॉल्व करें हम लोग। हाँ करो, ठीक है सर। वन करोगे तो क्या होता है, उसका सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स यूज होता है, क्योंकि इसका रूट्स क्या होता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें डाल के आप चेक कर, मतलब निकल जाएगा ए एंड बी। यस सर, लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन इक्वल टू जीरो, देन द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बाय जेड एन प्लस वन इज द जेड एन स्क्वायर प्लस आयोटा, देन मॉड ऑफ जेड 2007 इज व्हाट। ये सीक्वेंस कहीं ना कहीं एक पैटर्न आ जाएगा, जेड एन प्लस वन गिवन जेड एन स्क्वायर प्लस आयोटा एंड आपका जेड वन गिवन जीरो, तो जेड टू क्या होगा? आई जेड वन स्क्वायर प्लस आयोटा वो चित आई। हाँ जेड थ्री क्या होगा? जेड टू स्क्वायर प्लस आई। जेड टू स्क्वायर क्या होगा? माइनस वन प्लस आई प्लस आई। जेड फोर क्या होगा? जेड थ्री स्क्वायर प्लस आई। जेड थ्री मतलब माइनस वन प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आई। इसका स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, टू ए बी, टू ए बी में माइनस टू आई प्लस आई, माइनस आई होता है। हाँ सर, तो जेड फाइव क्या होगा? जब जेड टू माइनस आई नहीं, जेड फाइव क्या होगा? जेड फोर स्क्वायर प्लस आई। जेड फोर स्क्वायर हो गया माइनस वन प्लस आई, तो जेड सिक्स क्या होगा? यहां से आपका पैटर्न स्टार्ट हुआ। हाँ सर, माइनस आई है, थ्री माइनस वन प्लस आई, फोर माइनस आई, फाइव वाला कहा माइनस वन प्लस आई, सिक्स क्या होगा? माइनस आई होगा। जेड सेवन क्या होगा? फिर माइनस वन प्लस आई होगा। जेड एट क्या होगा? माइनस आई। यही अल्टरनेटिव चला। फर्स्ट दो को छोड़ के बाकी आपका सीक्वेंस में आ गया, ठीक है, एक पैटर्न फॉलो किया। तो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? जब ऑड हो रहा है माइनस वन प्लस आयोटा, इवन जब हो रहा है माइनस आयोटा, वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो जेड 2007 क्या होगा? माइनस वन प्लस आई, माइनस वन प्लस आई। इसका मॉडुलस क्या होगा? रूट टू हो गया। यस सर, समझा? यस सर, यस सर, यस सर।
जेड वन जेड टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड वन इज नॉट इक्वल टू वन मोर नो जेड टू माइनस जेड टू कंजुगेट जेड वन अपॉन वन माइनस जेड वन इज दियर If Z is real, then what? Z and Z conjugate can be equal. Equal, Jen. Equal, sir. Then Z is equal to Z conjugate. So use this concept. So Z2 minus Z2 conjugate Z1 upon 1 minus Z1 is equal to its conjugate. Z2 minus Z2 conjugate Z1 upon 1 minus Z1 is the conjugate. और जब conjugate करते ना वो separate कर देता है ना अंदर आ जाता है तो ये हो जाएगा Z2 conjugate Z2 conjugate conjugate Z2 Z1 conjugate Z1 conjugate one का conjugate one minus Z1 हाँ sir am I right yes अब प्लस मल्टीप्लाई करो ठीक है तो क्या होगा वन माइनस जेड वन कंजुगेट इंटू जेड टू माइनस जेड टू कंजुगेट जेड वन ठीक है वन माइनस जेड वन इंटू जेड टू कंजुगेट माइनस जेड टू जेड वन कंजुगेट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा जेड टू माइनस जेड टू कंजुगेट जेड वन माइनस जेड टू जेड वन कंजुगेट माइनस माइनस प्लस जेड टू कंजुगेट जेड वन कंजुगेट करेक्ट इज इक्वल टू जेड टू कंजुगेट माइनस जेड टू जेड वन कंजुगेट माइनस जेड टू कंजुगेट माइनस माइनस प्लस जेड टू जेड वन कंजुगेट तो Z1 Z2 कंजुगेट कैंसिल Z2 Z1 कंजुगेट कैंसिल इंप्लाइज टेक टू लेफ्ट साइड तो Z2 माइनस Z2 कंजुगेट टेक टू लेफ्ट साइड कॉमन क्या जाएगा दोनों में Z1 Z1 कंजुगेट कॉमन जाएगा तो बचा Z2 कंजुगेट माइनस Z2 तो माइनस जेड वन जेड टू कंजुगेट जेड वन कंजुगेट ले रहा हूँ सो दैट ये जेड टू माइनस जेड टू का कंजुगेट है इंप्लाइज जेड टू माइनस जेड टू कंजुगेट फॉल इनटू वन माइनस जेड वन कंजुगेट बिकम जीरो तो फर्स्ट फैक्टर जीरो और सेकंड फैक्टर जीरो फर्स्ट फैक्टर जीरो होगा तो जेड टू इज इक्वल टू जेड टू कंजुगेट और जेड वन इंटू जेड वन कंजुगेट क्या होता है मॉड जेड स्क्वायर मॉड जेड वन मॉड जेड वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन इंप्लाइज मॉड जेड वन क्या होगा वन होगा अच्छा जब जेड टू इक्वल टू जेड टू कंजुगेट होता है तो जेड टू को क्या बोलते हैं रियल Purely real. Z2 is purely real. Or mod Z1 equal to 1. Check करो. ये answer कहीं पे है? Z1 is unimodular or Z2 is real. B. B does. B or. इसमें कुछ लिखना है सर हाँ एक मिनट थोड़ा ऊपर लो ना सर आपने वो z2 माइनस z z2 पार z1 को आपने कॉन्जुगेट ले लिया क्या हाँ
इसको नहीं नहीं सर, समझा समझा। अच्छा ये तो सीक्वेंस में है, 4, 8, 12, 16, 20 फिफ्थ को छोड़ के। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मूव्स ऑन द स्ट्रेट लाइन द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड। क्यों नहीं समझा? जेड लाइज ऑन द लाइन 5x-12y+39 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? मर्ज ये लाइन के ऊपर जेड है तो जेड आपका ये लाइन के ऊपर है, कहीं पे भी हो सकता है। मर्ज जेड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट ओरिजिन, पॉइंट। सपोज ओरिजिन हियर तो ये मॉड जेड होगा, सपोज जेड यहाँ पे रहेगा तो ये मॉड जेड होगा, जेड इधर होगा तो मॉड जेड होगा, यस सर। जेड इधर होगा तो मॉड जेड होगा, ये तो कहाँ पे लिस्ट वैल्यू मिलेगा? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यस, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो ए लाइन को, ठीक है? तो वेन हाँ वो एवर जेड पॉइंट इज मिल जाएगा। हियर तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कितना होगा? 39 अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 square 13 13 3 मतलब यस 39/13 3। हाँ सर हाँ समझा? यस यस, सर। तो यही आपका लिस्ट डिस्टेंस देगा। और स्ट्रेट लाइन हैज द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हेंस द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ा है नहीं, ठीक है? रहने दो। ओके एक्चुअली भी यहाँ पे ठीक है, करना है तो कर देंगे, चलेगा। देखो क्लियरली यहाँ पे जो होता है वो मेंशन करना चाहिए कि बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, सी द रियल नंबर, ठीक है? ये उसके हिसाब से आप निकालना है तो निकाल सकते हो। लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड हमेशा एक्स प्लस आई वाई दे रहता है। बी एक्चुअली बी देयर जो दिया गया आपको, क्या दिया गया? बी जेड कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट जेड इक्वल टू सी, हाँ सर। ये दिया गया ना। यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब जाके ये स्ट्रेट लाइन देता है। चेक कर, लेट जेड को मैंने ये रखा, बी को कुछ ले दो, आई एम टेकिंग पी प्लस आई की। हाँ सर। अब चेक करो तो बी के जगह पी प्लस आई क्यू,
जेड कंजुगेट, जेड कंजुगेट होगा एक्स माइनस आई प्लस पी कंजुगेट माइनस आई जेड एक्स प्लस आई इक्वल टू सी। इसका देखोगे इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा, मतलब ये आपको स्ट्रेट लाइन देता है, चेक करो। हाँ सर। ये पी एक्स, ये भी पी एक्स, कितना होगा? टू पी एक्स। टू पी एक्स। और रियल क्या होगा? ये भी होगा। हाँ सर। क्यू वाई, क्यू वाई, ये भी क्यू वाई। हाँ सर। टू क्यू वाई, टू क्यू वाई। इमेजिनरी पार्ट चेक करो, माइनस पी वाई इंटू आई, ये प्लस कैंसिल हो गया। हाँ सर। क्यू एक्स आई प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो गया। यस सर। इक्वल टू सी, दैट मींस टू पी एक्स प्लस टू क्यू वाई माइनस सी बिकम जीरो। यस सर। ये किसका इक्वेशन होता है? स्ट्रेट लाइन। देखो कॉम्प्लेक्स में लिखा गया बट आंसर आपको रियल दे रहा है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब कोई इमेजिनरी नहीं है, रियल है। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। वही बताया कि ये स्ट्रेट लाइन होगा तो हेंस द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, मतलब वाई इंटरसेप्ट पूछ रहा है। हाँ। तो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? सर वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी से करेंगे। y इंटरसेप्ट क्या होगा इसका? x 0 हो जाएगा तो c by 2 x equal 0 c by 2 q that implies y इंटरसेप्ट होगा c upon 2 q y, जब x को 0 कर देंगे 2 q y होगा c, तो y क्या हो जाएगा? c by 2 q। हाँ सर। ये होता है आपका y इंटरसेप्ट। अब इसको 2q को b b के हिसाब से कैसे लिखेंगे सर? b प्लस b बार। यस। b b माइनस b बार, b माइनस b बार ना, तो भी 2q नहीं आएगा। तभी भी नहीं होगा ना। The intercept made by, okay, got it. मतलब वो intercept मतलब length पूछ रहा है इधर। हाँ। ठीक है। तो actually 2q क्या होता है? b minus b 2q, 2q कितना आएगा? b bar कितना आएगा? b conjugate b minus iq, तो b minus b conjugate क्या होगा? 2iq, 2iq, ओके? तो इसमें एक्चुअली एक आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या नहीं राइट? हाँ, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो इसको क्या नहीं राइट? c अपॉन 2qi इनटू i चलेगा। हाँ सर। फिर भी मॉडुलस रखना चाहिए था, इंटरसेप्ट लेंथ लिया तो फिर मॉडुलस रखना चाहिए था, अदरवाइज ये गलत हुआ। इंटरसेप्ट, ओके, नहीं नहीं ठीक है, इसके जगह क्या लिखेंगे? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इसका मतलब क्या है? सपोज z इज द x प्लस i y, ठीक है ना, z इज इक्वल टू x प्लस i y, इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कितना होगा? y, वो x और वो y, y इंटरसेप्ट क्या होगा? y, y होगा, i y नहीं होगा, y होगा। यस सर। ठीक है ना, तो i का कोएफिशिएंट y इंटरसेप्ट होता है, i का कोएफिशिएंट जो होता है वो
y इंटरसेप्ट होता है, तो i का कोएफिशिएंट आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट कितना आया, माइनस ए बाई टू, ये मिला। टू क्यू आई के जगह क्या लिख देंगे, बी माइनस बी कंजुगेट। तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सी अपॉन टू क्यू आई, नॉट सी बाई टू क्यू, ये लिखना पड़ता है क्योंकि आई का कोएफिशिएंट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके जाके लिख देंगे सी टू क्यू आई के जगह लिखेंगे बी माइनस बी कंजुगेट, तो यही आंसर होगा। चेक करो। यस सर। ये होगा आपका आंसर, समझा। आई का कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा, मतलब आई इंटरसेप्ट कॉम्प्लेक्स में आईटी का कोएफिशिएंट। हाँ, इंटरसेप्ट क्या होता है, हाँ आई का कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा। आप इधर देखो ना, इसका इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, वाई का, ये लेंथ आ रहा है, मतलब ये प्लस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट आई का कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा, ये होता है। एक्स इंटरसेप्ट पूछेगा तो उसका रियल वैल्यू लेना पड़ेगा, वाई इंटरसेप्ट पूछेगा तो इमेजिनरी पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज ऑन द अपर हाफ प्लेन डिटरमाइन बाय द रियल अक्ष, ओके। इफ मॉड जेड माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस टू इज व्हाट, नाइंटी डिग्री होगा सर, प्लस पाई बाय टू होगा ना, नहीं वो देखना पड़ेगा, वो प्लस पाई बाय टू की माइनस पाई बाय टू, एक मिनट। नहीं माइनस पाई बाय टू होगा, माइनस पाई बाय टू, लास्ट टाइम कहां तक किए थे उसके हिसाब से होगा, ये थोड़ा कंसेप्चुअल हो गया। कहां तक मतलब, तो कहां तक थ्योरी पार्ट किए थे, लेट मी चेक सर, वो आपने इंटरनल यहां तक किए थे ना, इसका हम अभी तक मतलब ये एंगल बताया, ठीक है ये करेंगे, आज करेंगे, इसको रहने दो थोड़े, ओके सर, ठीक है। आंसर क्या दिया गया सर, माइनस पाई बाय टू दिया गया। हाँ माइनस पाई बाय टू होगा, पाई बाय टू नहीं होगा क्योंकि रोटेशन के हिसाब से होगा, ये करेंगे आज करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट के आगे जाएंगे तो होगा वो, ठीक है। बाकी क्या था ये, सॉरी
तो 8 को रहने दो, कॉन्सेप्ट बताया नहीं तो अभी बता दो, चलेगा सर। थ्योरी पार्ट किए थे, ऐसे किए थे, शायद उस दिन भी बताया होगा कि एंगल बिटवीन देम इज द थीटा, एंगल बिटवीन लाइंस एल वन एंड एल टू, where L1 is the line joining Z1, Z2 and line second line joining Z3 and Z4, if it is theta then आपका theta कैसे मिलता है, argument of Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z4, correct? हाँ सर, ठीक किए थे ना last time, यही discuss किए थे। मैंने कुछ बताया था ये वेक्टर जैसा होता है। हाँ सर, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम तो दोनों को क्या करेंगे, Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2, मतलब Z1 minus Z2 मतलब इसका डायरेक्शन ये, हाँ सर, Z3 minus Z4 मतलब ये डायरेक्शन, तो आपको ये एंगल मिलता है, ठीक है। बाय चांस आप Z4 minus Z3 कर दिए, Z4 minus Z3 कर दिए तो क्या होगा, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दैट टाइम यू विल गेट दिस एंगल। हाँ सर, ठीक है ना, सपोज मैंने ये डायरेक्शन डाल दिया तो आपका ये एंगल मिलता है ना, ये एंगल तो नहीं मिलेगा। हाँ सर, ठीक है ना, तो बट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन आप ये एंगल बोलो कि ये एंगल बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सर, बट ये चीज का हम पर्टिकुलर एंगल चाहिए तो कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, लेट अस टेक दिस इज द ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अच्छा, अनदर थिंग, ये आपका एक्स एक्सिस, जो अपर लाइन होता है ना ये आपको ज्यादा एंगल देता है, लोअर लाइन कम एंगल देता है, इसलिए हम क्या किए, इसका आर्गुमेंट से इसका आर्गुमेंट को माइनस किए। आप इसका ऊपर नीचे इंटरचेंज कर दोगे वही एंगल तो वही मिलेगा बट उसका नेगेटिव मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट? लास्ट टाइम ऐसे यहाँ पे अल्फा रखे थे, इधर का एंगल को बीटा रखे थे, तो थीटा क्या मिलेगा आपको, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा करोगे तो क्या होगा, माइनस थीटा, माइनस थीटा होगा। तो बीटा मतलब आप जेड थ्री माइनस जेड फोर अपॉन जेड वन माइनस जेड टू करोगे, एंगल तो वही मिलेगा बट उसका क्या होगा, नेगेटिव एंगल मिलेगा। सपोज आपको ये एंगल पूछा जाता है कि फाइंड द एंगल ऑफ दिस, सपोज दिस एंगल इज द 70 डिग्री, आप 70 बोलोगे कि माइनस 70 बोलोगे, 70 बोलना पड़ता है। तो कभी भी एक ट्रायंगल के ऊपर हम ए एंगल एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका एंगल क्या होगा, हम ए एंगल बोल नहीं पाओगे, यू कांट टेल दिस इज द 130 डिग्री, मतलब ये 130 डिग्री होता है बट ए एंगल को आप 130 बोल नहीं पाओगे, बट स्ट्रेट लाइन होगा तो आप 70 बोलो कि 70 बोलो कि 110 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन आप 70 बोल रहे हो कि 110 बोल रहे हो, बोथ करेक्ट, बट इन ए ट्रायंगल आप 70 की जगह 110 बोल नहीं पाओगे, है ना सर, 70 की जगह 110 बोल नहीं पाओगे, 70 की जगह माइनस 70 भी बोल नहीं पाओगे, तो इसके लिए आपको प्रॉपर लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये एंगल को डिनोट कर रहा हूँ ए बी सी, लेट दिस एंगल ए, दिस वन बी, दिस वन सी, ये आपका जेड वन, पार्ट को ठीक से समझो, आप इसके साथ कंपेयर करके बता जेड टू, मुझे बताओ हाउ टू गेट योर एंगल बी, एंगल बी इज व्हाट,
मैंने लास्ट टाइम बताया था आप दोनों वेक्टर को क्या करोगे, वो इनिशियल करोगे, नहीं तो को टर्मिनेट करोगे, ऐसे करना पड़ेगा, सो दैट यू विल गेट ए एंगल। ये दोनों केस में आपको ए एंगल मिलता है। दोनों को इनिशियल करो, इसको बोलते हैं को इनिशियल, दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं को टर्मिनल, दोनों एक जगह पर टर्मिनेट करता है, ठीक है। आपको दोनों वेक्टर को इनिशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो टर्मिनेट करना पड़ेगा, तब जाके इंक्लूडेड एंगल मिलता है, नहीं तो बाहर का एंगल होता है। अब बताओ एंगल बी कैसे मिलता है, हाउ टू गेट एंगल बी। बोलो सर, वेक्टर के हिसाब से ना? हाँ वेक्टर के हिसाब से सोचा, बट आप तो बोलोगे कॉम्प्लेक्स में, जैसे इन दोनों के बीच में एंगल क्या मिला, हाउ टू गेट थीटा, थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड थ्री माइनस जेड फोर, अपर लाइन माइनस लोअर लाइन, बट दोनों वेक्टर को मैंने वो इनिशियल कराया, दोनों वेक्टर को एक डायरेक्शन पर छोड़ा, एक पॉइंट से दोनों वेक्टर को स्टार्ट कराया, ऐसे करना पड़ेगा। तो बी एंगल को कैसे करो, z1 minus z2 upon z3 minus z2 argument, argument बोलो, argument of z1 minus z2 upon z3 minus z2 correct, z1 minus z2 मतलब a vector, z3 minus z2 मतलब a vector, upper line minus lower line, बराबर हुआ? Yes बराबर। तो ये proper आपको क्या मिलेगा, a angle मिलेगा, ठीक है। आप इसको उल्टा कर दोगे, मतलब न्यूमरेटर के जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर इंटरचेंज कर दोगे, तो क्या होगा, ए एंगल का नेगेटिव 180 माइनस बी मिल जाएगा, नहीं ए एंगल का नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों को इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, ये इसका एंगल माइनस इसका एंगल करोगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ना, ठीक है। डायरेक्शन को चेंज कर दोगे, आप बोलोगे z1 माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z3 करोगे तो क्या होगा, बाहर का एंगल होगा, एक्सटर्नल एंगल, समझा? तो आपको ये प्रॉपरली करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ एंगल c कैसे मिलेगा, हाउ टू गेट एंगल c, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z3 अपॉन z2 minus z3, argument of z1 minus z3 upon z2 minus z, is it? Yes sir, बराबर है, नहीं सर बराबर है, नहीं गलत है, ये गलत है। आप इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ए एंगल के लिए, ए एंगल ये इसके लिए, ये आपका अपर लाइन हुआ, ये लोअर लाइन हुआ, क्योंकि मैं इसको इसके साथ मैंने मतलब ये क्या कंपेयर किया। अब सी के लिए ये अपर लाइन नहीं होता है, हाँ आप चेक करो, ये सी को आप इसको पैरामीटर मान लो, ठीक है ना, टू फाइंड आउट सी एंगल, ये सी पॉइंट को बी पॉइंट पर लाओ, मतलब घुमा के ट्रायंगल को घुमा दो तो सी पॉइंट बी पर आ जाता है, जब सी बी पर आता है व्हिच वन इज द अपर लाइन, बी सी और ए सी, वापस रिपीट करेंगे, सी को बी पर लाओ, इसको रोटेट करके सी को बी पर लाओ, तो बीसी लाइन ऊपर जाएगा कि एसी लाइन ऊपर जाएगा, बीसी से बीसी, तो बीसी लाइन इज द अपर लाइन, एसी लाइन इज द लोअर लाइन, समझ में आया? हाँ सर, मतलब उसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन, आपका इसके लिए कोई दिक्कत नहीं,
ये अपर क्लियरली दिखाई देता है, ये लोअर दिखाई देता है, बट इस ये हिसाब से आपका अपर लोअर प्रॉब्लम होता है। आपको नहीं क्या लग रहा करना पड़ेगा, हमेशा ए पॉइंट को पैरामीटर में आपके चलो, ए पॉइंट पर लाओ, जो ऊपर लाइन रहेगा दैट इज योर अपर लाइन, ठीक है। तो सी को मैंने घुमा के बी पर ले आया, जब सी पॉइंट को मैंने बी पर लाऊंगा तो मेरा ऑटोमेटिक क्या होगा, बीसी ऊपर चला जाएगा, एसी नीचे आ जाएगा, ए लाइन बीसी हो जाएगा, ए लाइन आपका एसी होगा, है ना। ये जब बी पर जा रहा है, ए इधर आ रहा है, बी इधर जा रहा है, हाँ सर समझा। तो बीसी आपका बीसी लाइन अपर होगा, एसी लाइन लोअर होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, Z2 minus Z3 upon Z1 minus Z3। समझ में आया? हाँ सर। यस ये प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपका एंगल आप जो बोले थे ना सी का नेगेटिव एंगल मिलेगा, ठीक है, आपको सी नहीं मिलेगा, उसका नेगेटिव मिलेगा। अब बताओ एंगल ए क्या होगा, Z3 minus Z1 सर। कौन से भी तरह मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों भी तरह से रोटेट कर सकते हैं। हाँ कैसे भी रोटेट करो, आप बी पर लाना चाहिए उसको। तो Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1। समझा अभी? हाँ ए को मैंने बी पर ले आया, ए को जब बी पर लाया आप चाहो तो ऐसे घुमा के लाओ कि ऐसे घुमा के लाओ, कैसे भी लाओ, तो जब ए बी पर आ जाता है तो एसी लाइन ऊपर चला जाता है, ये जो एसी लाइन इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा एंड ए बी लाइन आपका इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एसी अपर लाइन होता है, ए बी लोअर लाइन होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी थ्री माइनस मतलब Z3 minus Z1 upon Z2 minus। क्या हुआ भार्गव? सर मुझे पूछना था, आप जब बोलते हैं अपर लाइन तो मतलब स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए एसी का, इसमें अपर लाइन क्या बोलोगे, किसको अपर लाइन बोलोगे? सर L1 L2 लोअर लाइन होगा, देखो L1 ज्यादा एंगल करता है, L2 से L1 ज्यादा एंगल करता है विद रेस्पेक्ट टू ये L1 ये L2, कौन सा लाइन ज्यादा एंगल कर रहा है, L1 के L2? सर L1। ये अल्फा ये बीटा, आपको ये एंगल कैसे मिलेगा, हाउ टू गेट दिस एंगल? सर बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा। हाँ हाँ अल्फा माइनस बीटा, सॉरी सर। बीटा माइनस अल्फा करोगे तो क्या होगा, माइनस थीटा मिलेगा सर। तो इसलिए मैंने बताया कि अपर लाइन इसके लिए, ये अपर लाइन ये आपका लोअर लाइन, अपर लाइन मतलब जो लाइन ऊपर है, ये लाइन उसके नीचे है, अपर लाइन हमेशा ज्यादा एंगल करता है देन लोअर लाइन। तो टू गेट पॉजिटिव एंगल आपको हमेशा अपर लाइन माइनस लोअर लाइन का आर्गुमेंट लेना, समझा? तो एंगल ही देखना है इसका सर। हाँ तो एंगल ही देखना है ना, कितना एक्स एक्सिस से कितना ये रियल एक्सिस के साथ। एंगल नहीं देखना है आपको, अपर लाइन ये दोनों लाइन में कौन सा अपर कौन सा लोअर आपको डिटरमिन करना पड़ेगा, ये दोनों लाइन में कौन सा अपर कौन सा लोअर दिखाई दे रहा है, ए बी एंड बी सी में कौन सा अपर कौन सा लोअर? सर ए बी अपर, बी सी लोअर, ये दोनों में सर बी सी, ए सी एंड बी सी में कौन सा अपर लाइन कौन सा लोअर लाइन? सर बी सी। बीसी क्या है, अपर के लोअर? सर एसी लोअर होगा ना,
एसी लोअर होगा, बीसी अपर होगा। ऑल्दो ये दिखाई दे रहा कि ऐसे ऊपर है, बट इसका डायरेक्शन अलग के डायरेक्शन पर है, ठीक है। ये एक्चुअली ऑब्ट्यूस एंगल दे रहा है, बट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट में माइनस हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, ये पार्ट के लिए कोई आपका अपर लोअर का कोई कंफ्यूजन नहीं है व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग बी, बट सी के लिए अपर लोअर का कंफ्यूजन है। तो जब आप कोई भी एंगल निकालते हो ना, सबको ए पॉइंट पर लाओ, सी एंगल निकाल रहे हो तो सी को बी पॉइंट पर लाओ, तब पता चलेगा हुच ऑन अपर लाइन हुच ऑन लोअर लाइन। ए एंगल निकाल रहे हो तो ए को बी पर लाओ, कैसे लाओगे, रोटेट करके। तो सी को मैंने कैसे रोटेट, ऐसे रोटेट कर दूंगा तो बी पर आ जाएगा ना। हाँ सर। तो इसके लिए अपर लाइन कौन हो जाएगा सर, एसी होगा। कैसे दिखाओ, अच्छा तुम्हारे लिए और एक काम करते, न्यूमरेटर आपका एंटी क्लॉकवाइज, डिनोमिनेटर आपका क्लॉकवाइज। आपका ए एंगल के लिए, मतलब कोई भी एंगल के लिए, न्यूमरेटर एंटी क्लॉकवाइज, डिनोमिनेटर क्लॉकवाइज। देखो बी एंगल के लिए न्यूमरेटर आपका एंटी क्लॉकवाइज, ए से घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज होगा कि सी से लाओगे एंटी क्लॉकवाइज होगा। सर सी से घुमा के एंटी क्लॉकवाइज होगा। अरे कैसे घुमाते हो आप, सी को ऐसे घुमाओगे तो कैसे, सी टू बी आओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। नहीं नहीं सर, क्लॉकवाइज। न्यूमरेटर आपका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो बी एंगल मिलेगा। न्यूमरेटर एंटी क्लॉकवाइज आपका जेड वन माइनस जेड टू, डिनोमिनेटर होगा जेड थ्री माइनस जेड टू। बट इसके लिए आपका वो फिक्स होना चाहिए कि दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको फिर करना पड़ेगा, उल्टा नहीं कर पाओगे। सी के लिए क्या करना पड़ेगा, हाउ टू गेट सी एंगल, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा आएगा, बी से एंटी क्लॉकवाइज होगा कि ए से एंटी क्लॉकवाइज होगा। सर बी से, सर ए से। तो पहले आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को मतलब प्रॉपरली घड़ी देख के सीख लो, किसको एंटी क्लॉक किसको क्लॉक बोलते हैं। ये से आओगे आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है, क्लॉकवाइज। ये क्या दिखाई दे रहा है सर, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका एंटी क्लॉकवाइज ये न्यूमरेटर होगा जेड टू माइनस जेड थ्री, डिनोमिनेटर होगा जेड वन माइनस जेड थ्री। हाँ सर समझा। हाँ सर अभी समझा। ए के लिए क्या करोगे, कुछ ऑन एंटी क्लॉकवाइज, ये की है सर, वो सी से। सर सी, सर सी से होगा क्या, क्या नहीं मुझे मत पूछो, मैं पूछ रहा हूँ। सर सी से एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ तो फिर इसमें कंफ्यूजन क्या है, आपको मैंने दोनों डायरेक्शन दिया, फिर आपको भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन है, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मैंने दोनों का डायरेक्शन दे रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, फिर भी आपको कंफ्यूजन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, आप मुझे पूछ रहे होगा क्या, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। कौन सा दिखाई दे रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सर, अगर सी को एक की तरफ लेके जाएंगे तो Z3 माइनस Z1, ये आपका न्यूमरेटर होगा, ये आपका डिनोमिनेटर होगा, समझा।
हाँ सर, न्यूमरेटर एंटी क्लॉकवाइज, डिनोमिनेटर आपका क्लॉकवाइज होना चाहिए। जिसको अपर लाइन लोअर लाइन समझ में नहीं आया देन गो फॉर दिस वन। अभी उसी हिसाब से आपको बी सी ए एंगल चेक करो, आपका कंसेप्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। नहीं बैठ रहा है फिर पूछो। मैंने दो कंसेप्ट बताया, दोनों कंसेप्ट में आप जाइए, मतलब कोई भी कंसेप्ट पर जाइए बट स्टिक विथ एनी वन कंसेप्ट। दोनों फिर करके कंफ्यूजन हो जाएगी। स्टिक विथ एनी वन एंड चेक करो आपको बी ए सी एंगल जो मैंने तीनों लिखा वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर बताओ, मैं बताऊंगा। अच्छे से देख लो। सर मतलब अगर सी का एंगल निकालना है तो दोनों तरफ से उसके पास लेके आएंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो न्यूमरेटर होगा। नहीं पे, आप किसके साथ जा रहे हो, घुमा रहे हो मतलब सबको बी पॉइंट पर ला रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सेकंड वाला, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। हाँ अच्छा, आपको सी पॉइंट चाहिए, सी का एंगल चाहिए ना, तो ए बी से आपको सी पर आना चाहिए। ए एंड बी से सी पर आना चाहिए। आप चेक करो कौन एंटी क्लॉक आ रहा है, कौन कौन क्लॉक क्लॉकवाइज आ रहा है। ए से सी तक जाएंगे वो क्लॉकवाइज, दोनों को सी पर लाना पड़ेगा, दोनों को सी पर लाना पड़ेगा। ए से सी वाला क्लॉकवाइज हो जाएगा, ए टू सी क्लॉकवाइज, बी टू सी एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बताया न्यूमिरेटर आपका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ये आपका एंटी क्लॉक, ये आपका क्लॉकवाइज। आंसर क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक होगा जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन क्लॉकवाइज होगा आपका जेड वन माइनस जेड थ्री। वही मिला। तो आप डिसाइड करो आपको कौन सा मेथड इजी हो रहा है, फिर भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। सर लिखे क्या ये अभी? हाँ लिखोगे, लिख लो अभी। वो जो फोर्थ पॉइंट लिखे थे ना उधर से मतलब स्टार्ट करोगे, ये उसका सब पार्ट। भार्गव समझ में आया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर, ये वाला समझ में आया जो आपने वो एंटी क्लॉकवाइज कॉकस। ओके, तो ये लिखना, लिख लो ये। तो आप कोई भी मेथड को पकड़ के चलो बट दोनों मिक्सअप मत करो। आइदर इसके साथ जाओ जो मैंने बी आपको हर एंगल को बी पर लाया था, मतलब ए एंगल चाहिए तो ए को बी पर ला रहा था, सी चाहिए तो सी को भी बी पर ला रहा था, तो सो दैट आपको अपर लाइन लोअर लाइन पता चल रहा था। एक होता है कि अपर लाइन न्यूमिरेटर अपर लाइन डिनोमिनेटर लोअर लाइन, और एक मेथड न्यूमिरेटर एंटी क्लॉकवाइज डिनोमिनेटर क्लॉकवाइज।
अच्छा अभी वो क्वेश्चन कर रहे हैं सर, एक मिनट ऊपर क्वेश्चन दिया गया कि मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस टू, ठीक है, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव वाई। एक्चुअली ये आगे थोड़ा ये होगा तो आपको पता चल जाएगा, अभी फिर भी देख लो, मतलब ये तो ये क्या आपको देता है, इसका ग्राफ क्या देता है, फिगर क्या होता है? तो z माइनस वन क्या होगा, x माइनस वन प्लस आई वाई, तो मॉड ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू वन इंप्लाइज व्हाट, अंडर रूट ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना, हाँ इज इक्वल टू वन। तो ये ग्राफ क्या दिया, इसका ज्योमेट्री क्या हुआ आपका, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, क्या मिला? ये क्या सर, देता है सर, आपका सर्कल 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 सेंटर वन कॉमा जीरो, वन कॉमा जीरो रेडियस वन, तो ये दिया रहा है कि अपर पार्ट, हाँ सर अपर पार्ट ऑफ द ग्राफ ये दिया ना, हाँ सर, अपर हाफ प्लेन डिटरमाइन, अपर हाफ मतलब ये जो सर्कल आ रहा है वन ऐसा सर्कल आ रहा है, बट ये कंसीडर किया कि सिर्फ अपर पोर्शन, तो रेडियस वन, तो ये होगा आपका टू कॉमा जीरो, ए पॉइंट होगा आपका जीरो कॉमा जीरो, तो समवेयर जेड, जेड इज द एनीवेयर, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पे होगा, लेटेस्ट एक जेड है, तो इस 2.0 मतलब जेड को क्या लिखोगे, मतलब ए पॉइंट को क्या लिखोगे जेड के हिसाब से, 2 लिखोगे, हाँ सर, मतलब जेड वन इक्वल टू इसका क्या रहेगा, 0, हाँ सर, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस टू, कैन आई राइट आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जीरो अपॉन जेड माइनस टू, यस सर, मतलब ये मतलब आपको दोनों को एक डायरेक्शन पर डाला है, जेड माइनस जीरो, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा, जेड माइनस टू मतलब ए डायरेक्शन हो रहा है, बराबर, तो एंगल ये रहेगा, ठीक है, दोनों क्या करोगे, दोनों को इनिशिएट करो नहीं तो टर्मिनेट करो, ये दोनों को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, ये एंगल पूछ रहा है, इसके लिए अपर लाइन क्या होगा, मतलब आपके हिसाब से एंगल कितना होगा, एंगल तो पाई बाई टू होगा, पहले देखो जेड माइनस जीरो मतलब कहां पे डाला है, पहले क्लॉकवाइज डाला कि एंटी क्लॉकवाइज डाला, क्लॉकवाइज, सेकंड वन जेड माइनस टू एंटी, एक्चुअली इसको क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो ना, आर्गुमेंट ऑफ जीरो माइनस जेड अपॉन टू माइनस जेड लिख सकता हूँ, हाँ सर, तो जीरो माइनस जेड अपॉन टू माइनस जेड, पहले क्लॉकवाइज डाला, बाद में एंटी मतलब डिनोमिनेटर एंटी क्लॉकवाइज डाला,
इसका मतलब न्यूमरेटर एंटी क्लॉकवाइज ना, न्यूमरेटर क्लॉकवाइज डाला, ये डाला मैंने डाला, क्वेश्चन क्या डाला, न्यूमरेटर क्लॉकवाइज डिनोमिनेटर एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एंगल के लिए आपका क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ये बताओ हाउ टू गेट दिस थीटा। ये इफ इट इज थीटा तो ये थीटा को कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड आउट दिस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये एंगल कैसे मिलता है, जेड वन माइनस जेड, जेड वन माइनस जेड, जेड वन कौन सा है सर, वो आपने जेड वन इज इक्वल टू टू लिया है ना, वही बोल ये बोल रहे हैं। अच्छा तो टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ टू माइनस जेड अपॉन जीरो माइनस जेड, ठीक है हाँ सही। इधर क्या दिया है, रिवर्स न्यूमरेटर के जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के जगह न्यूमरेटर, हाँ सर, तो आपको थीटा मिलेगा कि क्या मिलेगा, माइनस थीटा मिलेगा, माइनस थीटा। एक्चुअली ये एंगल कितना होता है, थीटा कितना होता है 90, तो आपका क्या एंगल होगा, माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू बिकॉज ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन इज द मोर इम्पोर्टेंट, समझा, यस सर। आर्गुमेंट ऑफ जेड वन बाय जेड टू क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, हाँ सर, आर्गुमेंट ऑफ जेड टू बाय जेड वन क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड वन एक दूसरे का नेगेटिव होता है ना, हाँ सर, तो जब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर इंटरचेंज होता है एंगल उसका नेगेटिव देता है, ओके सर, तो इसका जो प्रॉपर एंगल होता है ये प्रॉपर एंगल, ये अपर लाइन होगा, ये लोअर लाइन होना चाहिए, तो ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर होना चाहिए, बट क्वेश्चन में इसका रिवर्स दिया था, उल्टा दिया था, तो इंस्टेड ऑफ 90 आपको माइनस 90 मिलेगा। अच्छा मतलब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हुआ तो हमें माइनस, हाँ तो मैंने बताया था डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जब इंटरचेंज होता है, इधर बताया था ना आपका एंगल बी, मैंने सी बताया था, ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा क्योंकि आप उल्टा करे थे, आप जो बताए थे जेड वन माइनस जेड थ्री अपन जेड टू माइनस जेड थ्री, दो टाइम पर मैंने बताया ना उसका एंगल माइनस ही हो जाएगा, सी नहीं होगा। तो व्हेनेवर न्यूमरेटर आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जा रहे हो तो न्यूमरेटर एंटी क्लॉकवाइज डिनोमिनेटर क्लॉकवाइज होगा तो आपका पॉजिटिव एंगल होता है, जब उल्टा हो जाएगा आपको वही एंगल मिलेगा बट उसका नेगेटिव मिलेगा, समझा, कि नहीं समझा सर, यस सर, यस सर, इसलिए वो पाई बाय टू नहीं हुआ, माइनस पाई बाय टू हो गया बिकॉज ऑफ रोटेशन। आप देखो ना इसका डायरेक्शन कैसे दे रहा है, डायरेक्शन तो प्रॉपर दिया था बट पहले डायरेक्शन ऐसे रखा जेड टू माइनस जेड वन, मतलब इसको इधर दे, ठीक है, और इसको इधर दे, तो यहां से वो घुमाया ऐसे, ये एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है कि नेगेटिव एंगल होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है आपका ये एंगल, नेगेटिव होता है ना जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हो, नेगेटिव होता है, तो ये पहले तो न्यूमरेटर रखा था ना, ये लाइन का रखा था, डिनोमिनेटर रखा ये लाइन का, बट उसका उल्टा डायरेक्शन में रखा, तो मेन होता है इसका रोटेशन, रोटेशन प्रॉपरली होना चाहिए, अदरवाइज एंगल आपका कभी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नहीं तो कभी उसका आउटसाइड एंगल मिलेगा, एक्सटर्नल एंगल मिलेगा, तो प्रॉपर होना चाहिए, आपको वेक्टर का कंसेप्ट थोड़ा यूज करना पड़ेगा, दोनों को इनिशिएट करो नहीं तो दोनों को टर्मिनेट करो,
ये दोनों को टर्मिनेट कराया था तो उसी हिसाब से वो करेक्ट था, बट एंगल रोटेशन के हिसाब से आपका ये लाइन अपर होना चाहिए, ये लाइन लोअर होना चाहिए, बट वो उल्टा किया था, ये इसको न्यूमरेटर में रखा था, इसको डिनोमिनेटर में रखा था, इसलिए माइनस 90। ठीक है, वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 आर सो दैट मॉड ऑफ z1 इक्वल टू 12 देन लेटेस्ट वैल्यू ऑफ z1। ये भी ग्राफ के बाद होगा, अभी नहीं होगा, मतलब अभी नहीं होगा, थोड़ा ग्राफिकली हो जाएगा तो इजी रहेगा। कर सकते हैं, अगर मॉड जेड टू मिल गया तो हो जाएगा ना। ग्रेटेस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, हाँ तो करेंगे। फाइव प्लस 12 17 प्लस 12 22 आपका आंसर होगा। सर पीछे भी वही दिए, और इसका थोड़ा ग्राफिकली कंसेप्ट यूज करेंगे तो इजी होता है रादर देन थियोरिटिकली। चाहो तो मैं कर देता हूँ थियोरिटिकली भी, ठीक है, और ये इसका कंसेप्ट जब हो जाएगा और थोड़ा आसान होगा। आपको जेड टू दिया गया, नहीं मॉड ऑफ जेड वन दिया गया 12, जेड टू माइनस 3 माइनस 4 आई मॉड इट इज गिवन 5। तो मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, मतलब मुझे रिलेशन कैसे चाहिए, लेस देन इक्वल टू रिलेशन। हाँ सर, ठीक है, सपोज मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू 100 लिखता हूँ तो 100 क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ग्रेट, हाँ सर, ऐसे लिख सकता हूं। जेड वन माइनस जेड टू मैंने क्या किया, प्लस 3 माइनस 4 आई किया, माइनस 3 प्लस 4 आई कर दिया, चलेगा ना। हाँ सर, एक मिनट, बस 3 प्लस 4 आई करो, राइट, चलेगा। तो यू नो जेड वन प्लस जेड टू होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू,
प्रॉपर्टीज था इनइक्वालिटी का, हाँ सर बताया था, और प्लस करो कि माइनस करो, हाँ सर तो जेड वन माइनस जेड टू होल मॉड ऑल्सो लेस देन इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। तो आई एम यूजिंग सेम कंसेप्ट, मतलब जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू प्लस मॉड जेड थ्री, तो के लिए ठीक है, तो ये प्लस करो कि माइनस करो। तो इसको मैं जेड वन मान रहा हूँ, इसको जेड टू मान रहा हूँ, इसको जेड थ्री मान रहा हूँ, तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस जेड टू माइनस थ्री माइनस फोर आई मॉड प्लस माइनस वो लेस देन में प्लस होगा बराबर ना। हाँ सर यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये प्लस करो कि माइनस करो, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जेड वन माइनस जेड टू माइनस जेड थ्री होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू प्लस मॉड जेड, ठीक है? यस सर, यस सर। इसका इसका वैल्यू कितना दिया गया, 12, इसका वैल्यू कितना, 5, इसका वैल्यू कितना, 5 होगा सर मॉड, 5 होगा, 5 आ गया, हाँ सर 22 आ गया। That implies mod of z1 minus z2 less than equal to 22, तो maximum value क्या होगा, 22 होगा सर, 22 होगा सर। समझा, समझा सर। बट इसका ग्राफिकल मेथड पूरा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग बनता है, इसमें इसी हिसाब से आपको प्रॉपरली ब्रेक कर मतलब ये करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने मैनिपुलेट किया। हाँ सर, जिस हिसाब से दिया गया था उसी हिसाब से मैंने उसको मैनिपुलेट किया, प्लस थ्री माइनस थ्री किया, प्लस फोर आई माइनस फोर आई किया उसी हिसाब से, क्योंकि मुझे जो रिक्वायरमेंट है। बट इफ यू नो ग्राफ, इसका ग्राफ जब पता चलता है ना वो बताओ, रुको बता देता हूँ आपको, तो पता चल जाएगा, बता चल। mod z का mod z is equal to r, इसका मतलब क्या है, the distance from origin, no mod z is equal, तो उसका locus क्या होगा, mod z is equal to r circle, इसका मतलब क्या होता है, circle, yes this is the circle, radius kya hoga, center is origin, r hoga sir, radius r and center origin 0,3, samajh mein aaya, kyunki if you consider z as x plus iy to mod z equal to r matlab kya hoga, x square plus y square, ha x square plus y square equal to r square, that implies x square plus y square is equal to r square, ठीक है, हाँ सर। देखो mod z is equal to r मतलब क्या होता है, ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस r होगा सब पॉइंट को कलेक्ट करेंगे, हाँ सर, इसका डिस्टेंस r, इसका डिस्टेंस r, इसका डिस्टेंस r, इसका डिस्टेंस r, वो पॉइंट कैसे मूव करेगा, सर्कल में, सर्कल में। तो ये नोट करना है आपको, ये चीज नोट करना है, मॉड जेड इज इक्वल टू आर, लोकस इज ए सर्कल, लोकस मतलब जेड, जेड पॉइंट, जेड इज द मूविंग पॉइंट, लोकस इज ए सर्कल विथ रेडियस R and center 0.0 origin, ठीक है, z minus z not equal to R,
होगा? जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, इसका लोकस क्या होगा? जेड नॉट एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, जेड नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें इसका लोकस क्या होगा? तो जेड नॉट सपोज ये, तो यहां से आर डिस्टेंस मेंटेन करेगा जेड। हाँ सर, सर्कल ही होगा सर। सर्कल होगा, इसमें क्या रेडियस क्या होगा? रेडियस आर होगा सर, ओरिजिन डिफरेंट, सेंटर डिफरेंट सर, सेंटर होगा जेड नॉट। हाँ सर, हाँ सर, जेड नॉट, ठीक है ना। तो जेड माइनस जेड नॉट मॉड इज इक्वल टू आर, लोकस क्या होगा? सर्कल, सर्कल विथ रेडियस आर एंड सेंटर जेड नॉट। समझ में आया? यस सर, यस सर। अब ये कंसेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं। आपका क्वेश्चन क्या था? Z1 minus Z2 mod mod Z1 is equal to 12। हाँ सर वही। mod Z2 minus 3 minus 4 आए। हाँ सर वही। तो minus कॉमन लेके 3 plus 4 आए कर देता हूँ। हाँ सर mod। इसका modulus दिया गया 5। Z1 Z2 के बीच में Z1 minus Z2 का मतलब क्या होता है? mod of Z1 minus Z2 मतलब क्या होता है? mod of z1 minus z2 means what? Okay. Last time बताया था, what is mod of z1 minus z2? किसके रिस्पेक्ट में? इसका मतलब क्या होता है? z1 minus z2 का modulus का मतलब क्या होता है geometrically? आप लोग ठीक से पढ़ाई करके आओ, नहीं तो ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं होगा। पर्टिकुलर ये ज्योमेट्रिकल पार्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर हियर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स। यस, डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू। हाँ सर। क्या कर रहे हो? तो डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कब मैक्सिमम होगा? सॉरी, मैक्सिमम का डिस्टेंस कितना होगा? जेड वन मतलब ये आपको क्या दे रहा है? ये जो जेड इक्वल मॉड जेड इक्वल टू आर, तो आपका जेड इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी होगा, इस सर्कल के ऊपर होगा, है ना? ठीक है। अच्छा, मॉड जेड लेस देन इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या होगा? मॉड जेड लेस देन इक्वल टू आर मतलब क्या होगा? जेड आर से माइनस आर के बीच में रेंज होगी। लोकस, लोकस मतलब इसका ज्योमेट्रिकली क्या होगा? हम पढ़ रहे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मोर जेड लेस देन इक्वल टू आर का मतलब क्या होगा? आप कहां पे पॉइंट रखोगे जिसका डिस्टेंस आर से कम होगा? ये रीजन में आप आर कहां पे पॉइंट रखोगे जिसका डिस्टेंस इक्वल आर होगा, नहीं तो लेस देन आर होगा? सर, सर्कल के ऊपर या फिर इनसाइड। यस, तो ये सारे पॉइंट होता है, ये कलेक्शन ऑफ दिस पॉइंट्स। हाँ सर, मोर जेड लेस देन इक्वल टू, मतलब पॉइंट क्या होगा? लाइज ऑन द सर्कल और इनसाइड ऑफ द सर्कल। हाँ सर, इसका मतलब पॉइंट्स ये क्या होगा? पूरा आपको एरिया दे देगा, इसके अंदर का एरिया, मतलब ये पोर्शन का एरिया। हाँ, पॉइंट्स लाइज ऑन और इनसाइड of the circle mod z equal to r, ये circle का inside part, नहीं तो on the जो points हम collect कर रहे हैं, जो points lies on the circle और inside the circle,
मोर देन आर होगा तो आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल करेक्ट यस सर. अच्छा मॉड जेड वन इक्वल टू 12 मतलब क्या हुआ, मॉड जेड वन इक्वल टू 12 इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल ऑफ रेडियस 12, सर्कल ऑफ रेडियस 12 एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन ठीक है. यस सर. सेंटर 0,0 आपका जेड वन ये लाइन के ऊपर मतलब ये सर्कल के ऊपर होगा. हाँ सर ठीक है ना, आपका जेड वन इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है बट ऑन द सर्कल होगा. ठीक है एनीवेयर यू कैन कंसीडर अ जेड वन, कहीं पे भी कंसीडर. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड सेंटर 3,4 ठीक है, -3,-4 नहीं 3,4 क्योंकि आपका फॉर्मेट क्या है z-z0 ठीक है. हां सर. तो और एक आपको सर्कल मिल रहा है, स्मॉलर सर्कल जिसका सेंटर क्या है 3,4 रेडियस 5. ये देखो ओरिजिन पर पास करेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना होता है 5 होता है ना, 5 होगा तो इसलिए वो ओरिजिन पर पास करता है. तो ये सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट आप जेड टू मान सकते हो. हाँ सर ठीक है, ये सब आपका जेड टू. आप कहाँ पे जेड वन और जेड टू रखोगे जिसके लिए आपका डिस्टेंस सबसे बड़ा होगा, सर ओरिजिन पे. हाँ बोलो. ओरिजिन से सर वो रेडियस सर्कल z2 ओरिजिन पे रहेगा, z2 ओरिजिन पर रहेगा. ओके z1 कहाँ पे रहेगा, तो सर्कल के ऊपर. कौन सा सर्कल के ऊपर, इधर. हाँ सर. तो ये डिस्टेंस सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है. नहीं सर नहीं. हाँ? नहीं सर. तो कहाँ पे रहेगा जेड वन एंड जेड टू आप कहाँ पे रखोगे, जेड वन ए सर्कल के ऊपर होगा, जेड टू ए सर्कल के ऊपर होगा. तो जेड वन एंड जेड टू को आप कहाँ पे रखोगे सो दैट जेड वन एंड जेड टू का डिस्टेंस सबसे बड़ा हो. सर हेलो, तो z2 को इनसाइड सर्कल के सर एकदम लास्ट में और z1 को इधर रखनी. ठीक है समझ गए, मतलब वो लाइन. हाँ सर वो ओरिजिन 3,4 को जॉइन करके एक्सटेंड कर दो. हाँ सर. हाँ बराबर सर, इसको एक्सटेंड कर दो. हाँ बराबर हो तो मैक्सिमम होगा सर. ये आपका z1 होगा, ये आपका जेड टू होगा. देखो इससे बड़ा डिस्टेंस और कहीं पे भी नहीं मिलेगा. यस सर नहीं है. ठीक है तो यहां से इधर का डिस्टेंस कितना, 12 12 ये डिस्टेंस कितना
तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 22 आ गया. मैक्सिमम डिस्टेंस 22, मिनिमम पूछा होता तो आप इधर रखोगे तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा. ये डिस्टेंस कितना होगा? 2 24 2 समझा? दोनों yes, चीज आपको एट ए टाइम मिलता है. ठीक है, तो एक केस में आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इट इज 22, मिनिमम ऑफ जेड वन माइनस जेड टू क्या मिला? 2. हाँ सर, समझा? यस सर. इधर से करोगे ना? हाँ, इधर से.